द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेखपाल भर्ती एवं ग्राम समाज विकास के टोटल 25 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले एक सूचना आप लोग के लिए है। सूचना यह है कि आप लोग को तो पता ही है कि परीक्षा के अंतिम समय में केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से ही सफलता मिलती है और आप लोग प्रैक्टिस सेट साथ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मात्र 50 रुपये में ही आपका अपना यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस 150 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रहा है यानी दे रहा है। तो आप लोग इसे जल्द से जल्द प्राप्त कर लें और इस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पर आप जा करके व्हाट्सएप करके प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना थी, सूचना समाप्त होती है, हम लोग पर चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है जिसमें छतरापुर पंप नहर परियोजना का निर्माण किस जनपद में हुआ है, तो चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कानपुर में है। छतरापुर पंप नहर निर्माण कहाँ पर है, कानपुर में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है और इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है, यानी 3 सुमेलित है 1 सुमेलित नहीं है उसी को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं आपके क्वेश्चन की तो ट्राइसेम का जो प्रारंभ वर्ष है 1979 है, ये बिल्कुल सही है। और NIEP 1980 अक्टूबर में है, ये भी सही है। लेकिन JRY का जो प्रारंभ वर्ष है ये सही नहीं है, इसका प्रारंभ वर्ष एक मिनट हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद SGMY ऑप्शन नंबर ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, यानी सी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। और इसका पूरा नाम है JRY का जो गलत है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका शुभारंभ जो हुआ था 1 अप्रैल 1979 को हुआ था, कितना 1 अप्रैल 1979 को इसका प्रारंभ हुआ था, क्लियर रखिएगा, ना कि 1995 में। और इसी के साथ अगला प्रश्न स्टार्ट होता है आपका, यहाँ है भारतीय समाज को माना जाता है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज या सभी, यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी माना जाता है, कौन सा, सभी माना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय समाज की बात यहाँ पर किया गया है। क्यों ऑप्शन ये सही होगा कि कौन सा सही होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। वैसे हमारे ख्याल से ये सभी नहीं होना चाहिए, कृषक समाज होना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज एक कृषक समाज है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। समाज तो तीनों होते हैं, जनजातीय समाज भी होता है, कृषक समाज भी होता है और औद्योगिक समाज भी होता है, लेकिन यहाँ पे भारतीय समाज की बात किया गया है तो ये कृषक समाज हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका करेक्शन कर लीजिएगा, ना बिल्कुल डी नहीं होगा, बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है और यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका ऑप्शन नंबर सी गुड एंड हार्ट का कथन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे सरेंडिपिटी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह कथन सही है, कौन सा, पहला, एक मिनट, पहला नहीं भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कथन हो, जैसे मार्टन द्वारा जो प्रतिपादित होता है ये भी सही है, बिना पूर्वानुमान के आकस्मिक खोज भी सही है, और अनियमित तथ्य जो सिद्धांतों में मेल नहीं खाते ये भी बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला प्रश्न है शाकंभरी देवी, अच्छा एक बात यहाँ पर आप लोग थोड़ा सस्पेंस होंगे, यहाँ पर सेरेंडिपिटी का तात्पर्य क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसका पहला उल्लेख की बात करते हैं तो 28 जनवरी 1774 में होरेस वालपोल ने किया था, किसने, होरेस वालपोल ने किया था। और इसके उत्पादन की बात करते हैं, यानी इसके उत्पादन आविष्कार और वैज्ञानिक खोज के पूरे इतिहास में सेरेंडिपिटी एक सामान्य घटना है ये, ठीक, या क्या है, एक सामान्य घटना है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न आपका जो है वो शाकंभरी देवी मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है,
तो यह सहारनपुर में लगता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। इसमें आदिशक्ति जगदम्बा का एक सैन्य अवतार होता है और ये होली के अवसर पर मनाया जाने वाला एक विशाल जो है वो है क्या कहते हैं मेला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी 2008-09 में ये प्रारंभ किया गया था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख तंबाकू उत्पादन जिला कौन सा है? जहाँ उत्तर प्रदेश में जो तंबाकू पैदा किया जाता है वो कौन सा जिला है? तो ये सी बलिया जिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और साथ साथ अगला भी प्रश्न आपका दिख रहा है, संयुक्त परिवार कौन सा लक्षण नहीं है? संयुक्त परिवार का लक्षण कौन सा नहीं है? बड़ा आकार, संयुक्त चूल्हा, अनुशासन की कमी, सामान्य पूजा। तो यहाँ पर सी बिल्कुल अनुशासन की कमी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ये लक्षण इसका नहीं है, अनुशासन की कमी। अनुशासन वहाँ होता है, संयुक्त परिवार में अनुशासन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कमी होती है। तो इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, जो वास्तव में घटित तो हुआ उसे क्या कहते हैं? ए बिल्कुल तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न बनेगा आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जातियों में शादी से संबंधित एक समस्या है कि महिलाओं की शादी जल्दी कर देते हैं, जो वैधानिक नहीं होता है, फिर भी वैधानिकता हेतु शादी के समय वधू यानी वृद्ध जो होती है उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उनकी उम्र जो होनी चाहिए, वो उम्र जो निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल आबादी में एससी आबादी का प्रतिशत कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ पे एससी की आबादी की बात किया गया है यूपी के, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल 20% आबादी इसका है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट आपका है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे वृंदावन मंदिर मथुरा में इसको बिल्कुल सही है, जेके मंदिर लखनऊ ये सुमेलित नहीं है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, जेके मंदिर लखनऊ में सुमेल नहीं स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है, इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न आपका है कि कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो ये एन डी तिवारी जो है, एन डी तिवारी, ये कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही नहीं रहे हैं, मोतीलाल बोहरा थे, गिरी थे और भंडारी थे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, वो उत्तर प्रदेश में कौन सा एक मात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो तांबा जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ललितपुर में पाया जाता है, यहीं पर यूरेनियम भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका, गढ़ मेला, उत्तर प्रदेश में जो गढ़ मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये गढ़मुक्तेश्वर में, देखिए गढ़ लिखा है तो गढ़मुक्तेश्वर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष पे लगते हैं? वैसे कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ वर्ष प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है, और अर्ध कुंभ जो लगता है वो प्रत्येक 4 वर्ष पे लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो पहला ही, माफ़ कीजिए, अर्धकुंभ 6 वर्ष पे लगता है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, क्योंकि अर्ध कुंभ का आधा होगा, 6 वर्ष होगा। ठीक, यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। और वहीं पे माघ मेला लगता है, तो माघ मेला जो लगता है वो क्या कहते हैं, वो हर साल लगता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और ये इलाहाबाद में लगने वाले सभी मेले हैं, वैसे कुंभ तो 4 जगहों पर लगने वाला मेला होता है, 3 या 4 जगहों पर है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए? अच्छा चलिए देख लेते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, कुंभ के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये संबंधित है इसलिए ये हो सकता है पूछा जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं कुंभ के आयोजन की, तो ये 4 जगहों पर इसका आयोजन होता है, पहला उज्जैन, नासिक और हरिद्वार होगी, और चौथा जो है वो आपके इलाहाबाद में होता था, जिसका अब नाम प्रयागराज कर दिया गया है। अर्धकुंभ तो मैंने पहले ही बता दिया, ये 4 स्थानों पर लगता है और 6 वर्ष में ये लगता है। ठीक, लेकिन इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ पर विलुप्त होती हैं वहाँ पे ये संगम लगता है, और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यहाँ भी लगता है। उज्जैन छिपरा नदी के तट पर स्थित है, ये भी यहाँ पर भी लगता है। और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगला प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल का नाम क्या है, तो इसका चावल का नाम है काला नमक चावल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, कौन सा डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो बनेगा आपका वो बनेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या जो है वो ये है बी वाला, ठीक ध्यान रखिएगा। तो इसको देख लीजिए, इकाई दस सैकड़ा हजार दस लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ उन्नीस करोड़ 1,95,81,477 इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार रही। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो बन रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये सब करेंट अफेयर प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल सही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के प्रत्येक स्वामी को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराना इसका स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका जो बनेगा इसमें कथन निष्कर्ष पे ये है, कथन है आपका कि पहला कथन है कि इंदिरा गांधी आवास के अंतर्गत इंदिरा आवास महिलाओं के नाम पर अथवा पति के संयुक्त नाम से आवंटित किया जाता है। दूसरा कथन है लोहिया ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिलाओं के नाम से किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो दोनों सही हो जाएगा, कथन ये दोनों सही है, ठीक। तो यहाँ पर सी यानी एक और दो दोनों कथन सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आशा का संबंध किस विभाग से है, तो आशा का संबंध जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई, तो ये 1983 में जारी की गई, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। साथ साथ अगला प्रश्न है भारत में गेहूं चावल प्रदेशों को कौन सी जलवायु संकेतिक विभाजन विभाजित करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बात करते हैं इसके, तो 100 सेंटीग्रेड आइसो हाइट जो है ये इसको अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के बाद अगला प्रश्न और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न होगा, इसमें आपको सम्मिलित करना है कोटि नीति का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अच्छा ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अच्छा लखनऊ नहीं भाई, इसको मिलान करना है, ये कहाँ पर है, तो ये चौथे से इसको मिलान कर देंगे, ये कटक उड़ीसा में स्थित है, क्लियर। चलिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राजमुंद्री में स्थित है, कहाँ पे, राजमुंद्री में, तीसरा इससे मिलान करेंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका नागपुर में स्थित है, कपास नागपुर में स्थित है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है, इसको ऐसे मिलान कर लेंगे, तो ऑप्शन इसका जो बनेगा 4321 4321 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 4321 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। और यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए, जैसे समय समय पर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।